भाई लोग, कैसा चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन, कैसे हो तुम लोग घर में अपने अपने। तो कुछ दिन पहले YouTube पर एक लड़ाई चल रहा था कि YouTube वर्सेस TikTok, तो ये लड़ाई ठंडा होने ही वाला था। तो अभी एक चूतिया ने आया है ये गाधे के टट्टी में माथा फोड़ने के लिए। तो चलो अब बिना किसी चुदम्बट्टी के शुरू करते आज का वीडियो और गान मारते है हमारा आज का सस्ते रोस्टर द खुनल कमरा की। चलो बेटा कैरी देखो रोज सिखा। तो ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले फाइट में, फाइट नहीं बहन, फाइट नहीं, इसको बोलते बकचोदी। तो ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बकचोदी में भाई सब कुछ ठंडा हो ही चुका था, फिर आ रहा है ये माथे फोड़ने के लिए सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन। हमारा कैरी को रोस्ट सिखाने खुद की करियर पे ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनू ने काट। एक जोक्स के पीछे स्टेज पे जाके तो भाई बिल्ली का हक गया। तो तुम हर बार ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये यूट्यूब को यूट्यूब बोलता है और सस्ते नशे करने वाले हराम खोद जैसी लाइनों को जोक। यूट्यूब को अगर यूट्यूब बोला जाए तो क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या गुनाह है इसमें? तुम भी स्टैंड अप कॉमेडियन, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन होके आए हो रोस्ट सिखाने के लिए, तो इसमें भी तो तुम गुनाह बोल सकते हो ना। और हाँ भाई साहब, अभी भी सस्ते नशे को जोक्स ही बुलाया जाता है, क्योंकि भाई ये खुद तुम्हारे पे ही अप्लाई होता है। भाई तुम 40 साल के बुड्ढे होके इतना सस्ते नशे करके आए हो, ये लॉजिकल पॉइंट का तो एक भी नहीं लग रहा है। और अगली बार से किसी का रोस्ट करना है तो बिना नशे के करना, ठीक है? और अगर नशा करना ही है तो थोड़ा सा महंगा वाला नशा करना, तो थोड़ा लॉजिकल पॉइंट भी निकलेगा। गालियां सुनाएगा, कितना अच्छा लगा, आहा हा, क्या गालियां दी हैं, मुद्दे की बात कुछ नहीं, गालियां गालियां, और इस पे फिदा हो गया भारत। पॉलिटिकल एजेंडा तुम चाहते हो हर एक वीडियो पे, हर एक स्टेज पे जाके मोदी 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 भैंचोद मोदी मादरचोद चूतिया यही बोलते रहते हैं। फिर और आगे क्या बोलते हैं कि मैं साइबर बुलिंग के खिलाफ हूँ। बैंक जो तुम गाली देते हो वीडियो पे हर एक स्टेज पे जाके, और साइबर बुलिंग की बात चोद रहे हो तुम। और फिर भी भाई साइबर बुलिंग भी तो ऑनलाइन में आके होते हैं, और तुम्हारा जो कुत्ता हो रखा है इंडिगो की फ्लाइट में, बैंकचोद उसको तो हैरेसमेंट कहते हैं लोग। जोर से भोसड़ी का बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। अबे सुन मादरचोद स्टैंड अप कॉमेडियन कमरा, अगर जोर से भोसड़ी का बोलना रोस्टिंग नहीं होते तो रोस्टिंग कैसे होते तुम एक बार बताओ जरा। पार्ट वन तो निकले हो और पार्टी ने ऐसा करके गान मारा है उस वीडियो का, और सेकंड मोस्ट डिसलाइक वीडियो में भी आ चुका है। अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा गान से कीड़ा नहीं निकाला है तो भाई लॉजिकल बात थोड़ा कर लिया करो, ठीक है? मेरे को तो लगता है भाई ये वीडियो के बाद तुम्हारा गान से कीड़ा निकल के उस कीड़ा के भी गान से कीड़ा निकल जाना चाहिए, ठीक है? और तुम्हारा जो ये हाथी चूतने वाला दोस्त है, हाँ तन्मय भट्ट, वो भाई सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी भाई साहब सॉरी, इंडिया में तो भाई बॉडी शेमिंग करना बैन कर दिया है सुना था मैंने। हाँ भाई आमिर सिद्दीकी टिकटॉकर भाग बैन चोद आमिर सिद्दीकी की माँ। और भाई ये तन्मय भट्ट का डूबा हुआ कैरियर किसने बचाया? ये कैरी मिनाटी नहीं बचाया भाई, और तुम इसको ही आए हो रोस्ट करने के लिए? थोड़ा लॉजिकल बात करो, पब्लिक के कम चोदेगा तुमको। कैरी अगर तू एक रेगिस्तान में अकेला होता और वहाँ एक कुत्ता आ जाता, तो एक कुत्ता पौधा लगाता, उसका पेड़ होने का वेट करता और फिर उस पेड़ पे मूतता, तेरा कंटेंट कुत्ते की मूत भी करंटली डिजर्व नहीं करता। देख भाई सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन, तेरा दिमाग का सख्त इलाज जरूरत है। तेरे दिमाग में तो भाई मोदी के अलावा और कुछ आता नहीं है। मोदी मादरचोद, मोदी मोदी ये मोदी हो, इसके अलावा तो कुछ और आता नहीं है। और ये अचानक अजूबा भावना तेरे दिमाग में कैसे आ रहा है भाई? थोड़ा इलाज विलाज करवा, नहीं तो भाई चूतिया तो है और भी मादरचोद बुलाया जाएगा सोसाइटी में, ठीक है? और ये वीडियो मार के तू भाई बहुत कूल नहीं लग रहा है, बकचोद और भोसड़ी का ही लग रहा है। उसकी क्लास की टीचर ने क्लास मॉनिटर बनाया था, कैरी को बोला गया कि ब्लैक बोर्ड में जाके लिखते बेटा थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कैरी ने वहां पे जाके लिखा इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। कैरी भाई तू इतना भूखा क्यों?
अरे ओ मिस्टर डियर कमरा वेंचोद, सुन तू जो बोलता है ना कि ये 2 मिलियन लाइक्स 3 मिलियन लाइक्स, वेंचोद तेरे वीडियो में तो लाइक्स आते नहीं है, तेरे वीडियो में जो लाइक्स आता है ना कैरी के एक वीडियो के पिन कमेंट में वो लाइक्स आ जाता है। और तेरा तो भाई तू बोल रहा है कि 2 मिलियन 3 मिलियन लाइक, तेरे को कैसे समझ में आ जाएगा ये सब कुछ बातें? अगर हम लोग लाइक कमेंट के बात नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्रिएटर लोगों को कैसे पता चलेगा कि वेंचोद मतलब जो देख रहे हैं उन लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बोलते हैं हम लोग कमेंट करो, लाइक मारो, तुम लोग भी मार दो यार ये वीडियो में। और तेरा वीडियो तो भाई कितना लोगों का पसंद आया है कितना नहीं आया है वो तो दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है भाई, सबको दे रखा है, सबको आ रहा है। और अगर अगली बार से किसी को रोस्ट करने आना है ना तो भाई थोड़ा लॉजिक के साथ और थोड़ा पॉइंट के साथ आना, नहीं तो ऐसा ही गांड मारा जाएगा। तो भाई लोग मैं तो सस्ते में ऐसा नहीं किया हूँ, तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और बकचोदी नहीं सहन हो रहा मेरे से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर कमेंट करो, और क्या क्या मैं ये कामड़ा का गान मार सकता था ये कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है? और वीडियो के ऐसे हाथ फैला के साथ साथ गान भी फैला दो और शेयर मारो जितना हो सके, और नीचे दिए हुए जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसका मार्च हो दो ऐसे, ठीक है? और पास में जो बेल आइकन है उसका भी मार्च हो दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सुन बे भोजरी के, तो डियर मिस्टर कमरा मतलब मिस्टर स्टैंड अप कॉमेडियन बोले तो, ठीक है, अगर तुम्हारा लाइक में बैंक